दोस्तों क्या होगा जब 1000 डिग्री हॉट मेटल बॉल को एक आईफोन के ऊपर रख दिया जाएगा, और तब क्या होगा जब खोलते हुए लावा को बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर डाला जाएगा। और इसी बीच हम आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी दिखाएंगे जिसमें श्रेडिंग मशीन के अंदर गैस सिलेंडर को डाल दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं ओनली ऑन फैक्ट नंबर 10, 1000 डिग्री हॉट मेटल बॉल वर्सेस आईफोन। दोस्तों तब क्या होगा जब एक आईफोन की डिस्प्ले पर 1000 डिग्री हॉट मेटल बॉल को रख दिया जाएगा, क्या आईफोन की डिस्प्ले क्रैक हो जाएगा या फिर आपको लगता है कि आईफोन की डिस्प्ले पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो दोस्तों जब एक न्यू आईफोन के ऊपर 1000 डिग्री टेम्परेचर वाला मेटल बॉल को रखा गया तो थोड़ी देर के लिए तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही समय के बाद आईफोन की डिस्प्ले पर मेटल वॉल के नीचे थोड़े थोड़े क्रैक के निशान दिखने लगे और धीरे धीरे ये क्रैक बढ़ते ही गए और स्क्रीन डैमेज होने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी आईफोन की डिस्प्ले कुछ हद तक काम कर रही थी। और फिर जैसे ही 2-3 बॉल को एक साथ रखा गया तो आईफोन में अचानक आग लग गई और आईफोन पूरी तरह से तबाह हो गया। नंबर 9, कोका कोला। दोस्तों आपने ये एक्सपेरिमेंट देखा ही होगा जिसमें कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल को रॉकेट की स्पीड से आसमान में उड़ाया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि वास्तव में एक्सपेरिमेंट काम कैसे करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले कोका कोला की इस बोतल में नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है, और फिर जब इस बोतल को उल्टा करते हैं तो नाइट्रोजन गैस और कोका कोला आपस में मिल जाते हैं और रिएक्ट हो जाते हैं, और रिएक्शन की वजह से अंदर एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से पलक झपकते ही बोतल रॉकेट की तरह आसमान में सैर करने लगती है। नंबर 8, हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस हैमर। दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेस कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है ये तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन तब क्या होगा जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक हथौड़े को रख दिया जाएगा, क्या ये हाइड्रोलिक प्रेस हथौड़े को तोड़ पाएगी? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हाइड्रोलिक प्रेस पर एक के ऊपर एक बहुत सारे कांच को रखा गया, और जब इनके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डाला गया तो इनमें से कोई ग्लास नहीं टूट पाया, और वहीं जब इसके ऊपर हथौड़े को रख दिया जाता है तो ये सारे के सारे कांच टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसे ही फाइनली जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे हथौड़े को रखा जाता है तो जैसे ही हथौड़े के ऊपर प्रेशर लगना स्टार्ट होता है तो कुछ देर तक तो हथौड़े के ऊपर इसका कुछ भी असर नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे इस प्रेशर को और भी बढ़ाया जाता है तो हथौड़ा ऊपर नीचे से हल्का सा दबने लगता है। लेकिन जब हथौड़े के ऊपर 380 टन तक वजन लगा दिया जाता है तो हथौड़ा बीच में से फट जाता है और इस तरह से हथौड़े के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नंबर 7, लावा वर्सेस बुलेट प्रूफ ग्लास। दोस्तों बुलेट प्रूफ ग्लास काफी स्ट्रांग होता है, इसके ऊपर आप गोली भी चलाएंगे तो वो भी इसके आर पार नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों तब क्या होगा जब इसके ऊपर खोलते हुए लावा को डाल दिया जाएगा। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट से पहले एक के ऊपर एक 3 विंडो ग्लासेस को रख दिया गया और ऊपर वाले ग्लास पर लावा डाला गया। लावा को डालते ही एक एक करके सारे ग्लासेस टूटते चले गए। ऐसे ही जब फायर रेसिस्टेंट ग्लास के ऊपर लावा को डाला गया तो शुरू के कुछ सेकंड्स तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके लावा अपना काम करने लगा और देखते ही देखते पूरे ग्लास पर क्रैक पड़ गए, लेकिन वो नीचे तक नहीं टूट पाया। और आप देख सकते हैं कि लावा को जिस जगह पर डाला गया था उस जगह का कांच जैली में बदल चुका है। और फाइनली जब इस लावा को बुलेट प्रूफ ग्लास की 5 लेयर्स पर डाला गया तो उस पर कुछ समय तक तो लावा का कोई असर नहीं हुआ, और ऐसा होना भी था क्योंकि बुलेट प्रूफ ग्लास इतना मजबूत जो होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बुलेट प्रूफ ग्लास पर छोटे छोटे क्रैक्स पड़ने लगे, और इसके बाद इस ग्लास पर कई चीजों से वार किया जाता है लेकिन इस ग्लास पर कोई असर नहीं होता है। नंबर 6, फॉर्म इरप्शन। दोस्तों आपने फॉर्म इरप्शन से रिलेटेड तो कई सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, जैसे कोका कोला वर्सेस मेंटोस, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जितनी फॉर्म निकलती है इससे कई गुना ज्यादा फॉर्म इस एक्सपेरिमेंट में निकलती है, जिस एक्सपेरिमेंट को मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक बाथटब को लिया गया और उसे जमीन में अच्छे से सेट कर दिया गया। उसके बाद इसी बाथटब के अंदर बहुत सारी कोल्ड ड्रिंकों को मिक्स करके इसे ऊपर तक भर दिया जाता है, और फिर इस कोल्ड ड्रिंक के मिक्सर के अंदर कलर्स को भी मिक्स कर दिया गया। इसके बाद एक बड़ी सी बाल्टी के अंदर बेकिंग सोडा और पानी को मिक्स करके और फिर उसमें मेंटोस की गोलियां डालकर हाथों से मिक्स कर लिया जाता है, और फिर फाइनली बारी आती है बाल्टी के इस मिक्सचर को बाथटब में डालने की। और जैसे इस मिक्सचर को बाथटब के अंदर डाला जाता है तो इसके बाद इस बाथटब के अंदर से निकलने वाली फॉर्म को तो आप देख ही रहे होंगे। इसे देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरह का कोई बम विस्फोट हुआ हो। इस फॉर्म के कुछ टुकड़े तो हवा में ही उड़ने लगते हैं। नंबर 5, लावा वर्सेस वाटरमेलन। दोस्तों
दोस्तों आपने लावा से जलते हुए तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को देखा होगा, लेकिन तब क्या होगा जब एक तरबूज के अंदर लावा को डाला जाएगा, क्या ये तरबूज बीच में से फट जाएगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारी मेटल को पिघला कर लावा बनाया गया और उसी के साथ ही साथ तरबूज को भी लाया गया और फिर तरबूज के ऊपरी हिस्से को काट कर अलग कर दिया जाता है जिससे कि तरबूज के अंदर लावा को डाला जा सके। और फिर जब इस खोलते हुए लावा को तरबूज के अंदर डाला जाता है तो लावा के तरबूज के अंदर जाते ही तरबूज के अंदर का पानी खोलने लगता है और तरबूज के अंदर से धुआं निकलने लगता है और फिर इस पूरे तरबूज को लावा से भर दिया जाता है तो तरबूज के अंदर से धुआं भी निकलना बंद हो जाता है। और फिर जब कुछ समय बाद लावा ठंडा हो जाता है तो उसे लोहे की रॉड की मदद से तरबूज के अंदर से निकाला जाता है तो ये लावा लाल से काला हो जाता है। और जब तरबूज के अंदर देखा गया तो तरबूज अंदर से कुछ ऐसा हो गया था। नंबर 4, श्रेडर मशीन वर्सेस गैस सिलेंडर। दोस्तों श्रेडिंग मशीन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इसके अंदर आप कोई भी चीज डालते हैं तो ये मशीन उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, लेकिन तब क्या होगा जब इसी श्रेडिंग मशीन के अंदर सिलेंडर को डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों श्रेडिंग मशीन के अंदर सिलेंडर को डालने से पहले हम इसके अंदर एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को डालते हैं और हम देखते हैं कि श्रेडिंग मशीन कुछ ही सेकंड्स में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। ऐसे ही जब बड़ी श्रेडिंग मशीन के अंदर बड़े बड़े टायर्स को डाला जाता है तो श्रेडिंग मशीन इन बड़े बड़े टायर्स के भी छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। इन बड़ी श्रेडिंग मशीन का यूज बड़ी से बड़ी चीजों को काटने के लिए किया जाता है। और जैसे ही जब श्रेडिंग मशीन के अंदर गैस सिलेंडर को डाला गया तो ये श्रेडिंग मशीन इस सिलेंडर को कुछ इस तरह से काट देती है जैसे इसके लिए कोई कागज का टुकड़ा हो। नंबर 3, कार वर्सेस आईफोन। दोस्तों क्या होगा जब बहुत सारे आईफोन्स के ऊपर से कार को निकाला जाएगा और तब क्या होगा जब बहुत सारे नोकिया के पुराने फोन्स के ऊपर से कार को निकाला जाएगा? दोस्तों आईफोन और पुराने नोकिया फोन में कौन सा फोन ज्यादा देर तक चलेगा? इसे ट्राई करने के लिए गाड़ी के टायर के नीचे एक लकड़ी के स्टैंड में 7 आईफोन्स को रखा गया। इन आईफोन्स के ऊपर से जब गाड़ी को निकाला गया तो सारे के सारे आईफोन्स टूट गए, लेकिन जब पुराने नोकिया फोन्स के ऊपर से गाड़ी को निकाला गया तो टूट तो वो भी गए लेकिन उनकी कंडीशन आईफोन से थोड़ी बेहतर है। नंबर 2, नोकिया फोन वर्सेस गन। दोस्तों क्या होगा अगर नोकिया फोन को किसी गन के द्वारा शूट किया जाए? क्या गन से निकलने वाली बुलेट नोकिया फोन में छेद करके निकल पाती है या नहीं? चलिए इस अमेजिंग से एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमने आईफोन के कई सारे मॉडल और सैमसंग गैलेक्सी के कई सारे फोन को एक लाइन में रखकर गन के द्वारा शूट किया जिसमें गन की बुलेट इन सभी फोन को चीरते हुए आर पार निकल गई। लेकिन क्या ये बुलेट नोकिया फोन को चीरकर आर पार निकल पाती है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही नोकिया फोन को गन से शूट किया जाता है वैसे ही शूट के दौरान स्क्रीन को देखकर शूटर भी हक्का बक्का रह जाता है। दोस्तों दरअसल होता ये है कि जैसे ही शूटर के द्वारा नोकिया फोन पर शूट किया जाता है तो गन की बुलेट फोन में छेद करके आर पार जाने की बजाय फोन से टकरा कर टूट जाती है। ये चीज देखकर मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है मुझे जरूर बताना। नंबर 1, आईफोन वर्सेस लावा। दोस्तों क्या होगा जब खोलते हुए लावा को आईफोन के ऊपर डाल दिया जाए? वैसे आपको पता होगा कि आईफोन महंगे होने के साथ ही साथ कितने अच्छे और मजबूत होते हैं, लेकिन क्या ये मजबूत आईफोन लावा को टक्कर दे पाएगा या नहीं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सॉलिड लोहे को पिघला कर इसका लावा बनाया गया। इसके बाद टेस्ट करने के लिए सबसे पहले कीपैड फोन के ऊपर इस लावा को डाला गया। इसके बाद इस छोटे से कीपैड फोन का क्या हुआ ये तो आप खुद ही देख सकते हो। ये फोन कैसे चंद सेकंड्स में जलकर राख में बदल गया। अब देखते हैं अगर लावा को आईफोन के ऊपर डाल दिया जाए तो क्या होगा। दोस्तों जब सही सलामत चलते हुए आईफोन के ऊपर लावा को डाला गया तो सबसे पहले आईफोन की डिस्प्ले का एक टुकड़ा बाहर निकल कर गिर जाता है। इसके कुछ ही सेकंड्स बाद आईफोन की पूरी डिस्प्ले निकल कर बाहर गिर जाती है और कुछ इस तरह से ये फोन कुछ ही सेकंड्स में जलकर राख हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों क्या आपने इनमें से कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है या फिर करने के बारे में सोच रहे हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।